चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश को बेहद अहम राज्य माना जाता है, यानी कि जो भी पार्टी यूपी में कब्जा जमाती है उनके ही देश की राजधानी में सरकार बनती है। यही कारण है सभी पार्टियों का पूरा फोकस यूपी में होने वाले चुनाव पर है। यूपी की 80 सीटों में से कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि अभी तक अमेठी और रायबरेली सीट पर किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। यूपी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है दोनों ही सीटों से गांधी परिवार के ही किसी सदस्य को चुनाव लड़ना चाहिए। बताया जा रहा है कि आज पहली बार केंद्रीय चुनाव समिति सोनिया और खड़गे के सामने प्रस्ताव रखेगी और कहेगी कि अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार चुनाव लड़े। आपको बता दें यूपी चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी और रायबरेली अमेठी की जिला कमेटी इस संबंध में पहले ही अपना प्रस्ताव दे चुकी है। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से लेकर पार्टी की टॉप लीडरशिप गांधी परिवार पर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है अगर रायबरेली और अमेठी सीट से गांधी परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा तो उत्तर भारत में पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। दरअसल अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरती रही हैं। सोनिया गांधी पिछले दिनों खुद ही चुनावी राजनीति से अलग हो चुकी हैं और राजस्थान से राज्यसभा पहुंची हैं। वहीं राहुल गांधी भी 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से करारी हार झेलने के बाद केरल के वायनाड से सांसद हैं और इस बार भी उन्होंने वायनाड से ही नामांकन किया है। कांग्रेस नेता गांधी परिवार की दोनों ही पारंपरिक सीटों पर एक बार फिर गांधी परिवार को ही उम्मीदवार देखना चाहती है। यूपी चुनाव समिति यानी कि पीसी ने पहले ही संबंध में अपना प्रस्ताव पार्टी आलाकमान को सौंप दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि अमेठी और रायबरेली समेत राज्यों के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी तो प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। उन्होंने बताया इस संबंध में दिल्ली की स्क्रीनिंग कमेटी को भी भेज दिया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी ने भी इस प्रस्ताव पर चर्चा की। अब कल होने वाली बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीसी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने प्रस्ताव रखेगी और दोनों ही सीटों से गांधी परिवार के सदस्य को ही चुनाव लड़ने के लिए सहमत करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।